आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं वंदना सोनी। आखिरकार वो वक्त नजदीक आ ही गया जिसका हर एक हिंदुस्तानी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय पर यानी शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम्स को समय समय पर चेक किया जा रहा है और ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें भी शेयर की है जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की है। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजिशन डिटेक्शन कैमरा यानी कि LPDC की मदद से इन तस्वीरों को क्लिक किया है। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर उतरने के लिए सटीक जगह तलाश रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से उतारा जाएगा। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन भी कराए जा रहे हैं। प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इनमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी का कामाख्या मंदिर है, श्रीमठ बागंबरी गद्दी और महाराष्ट्र के मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर भी शामिल है, जहां पर लगातार हवन पूजन किया जा रहा है और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए दुआएं की जा रही हैं। तो वहीं पूर्व चीफ के सिवन क्या बता रहे हैं इस पूरे मिशन को लेकर, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। चंद्रयान 3 को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब करीब 24 घंटे का वक्त बचा है जब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग मून पर होगी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के सिवन है। सर, इंडिया न्यूज में आपका वेलकम है और चंद्रयान 2 ऑल्सो वेलकम चंद्रयान 3, व्हाट डू यू से? डेफिनेटली द चंद्रयान 2 दैट ऑर्बिटर इज फंक्शनिंग वेरी वेल. So it is nothing surprise that the Chandrayaan 2 is welcoming Chandrayaan 3, this one, and that's what it's done. What do you feel type of Chandrayaan 3 is going smoothly and continued boosting the speed? Chandrayaan 3 is going very smoothly as planned. It is getting all the systems are functioning normal and they're healthy. And things are happening as expected. Pragyan is that rover. It will be communicating to lander only. Lander in turn will communicate to Earth with proper system. K. Sivan, जो former scientist और ISRO chairman रहे हैं, जिनके under Chandrayaan 2 जिस प्रकार से अपना missions को काफी हद तक कंप्लीट किया था और उसके बारे में वो बता रहे थे कि किस तरह से हमने उनसे सीख ली है और अब चंद्रयान 3 जो इस कंप्लीशन की ओर है और पूरी दुनिया वो की निगाहें जो है इस पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, बेंगलुरु। तो लैंडिंग के वो 15 मिनट कितने क्रूशियल होने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। दरअसल लैंडर के सभी 4 इंजनों का इस्तेमाल उस दौरान किया जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसमें लगाई जाएगी। 1683 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड आते ही लैंडिंग कराई जाएगी और सही जगह ना मिलने पर दूसरी जगह उसे उतारने की कोशिश होगी। सॉफ्टवेयर लैंडिंग की जगह का फैसला करेगा कि वहां पर उतरना सेफ होगा या नहीं होगा। वहीं लैंडर का सॉफ्टवेयर खुद फैसला लेने में सक्षम है। इसरो विक्रम को कमांड देना वहीं से शुरू करेगा। तो शुरुआत ऐसे होगी कि स्पीड को कम किया जाएगा और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर के जरिए उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी ताकि आसानी से सेफ तरीके से विक्रम को चांद पर उतारा जा सके। तो कैसे विक्रम लैंडर को चांद पर उतारा जाएगा, उसका पहला चरण होगा 30 किलोमीटर से स्पीड को घटाकर 7.5 किलोमीटर की दूरी पर उसको लाया जाएगा। दूसरे चरण की अगर बात करें तो यहां चांद की सतह पर जो दूरी है 6.8 किलोमीटर तक उसको लाया जाएगा और तीसरे चरण में चांद की सतह से सिर्फ 800 मीटर की ऊंचाई पर ही विक्रम होगा। चौथा चरण होगा जहां चांद की सतह के 150 मीटर के करीब तक ये पहुंच जाएगा और पांचवें चरण की अगर बात करें तो यहां विक्रम की चांद की सतह से दूरी 60 मीटर हो जाएगी। छठा चरण होगा जहां लैंडिंग का ये आखिरी चरण होगा, यानी जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा सतह पर उतरने के लिए और उसके बाद चांद की सतह पर विक्रम उतर जाएगा और इसी के साथ मिशन
कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 15 से 20 मिनट का जो वक्त होगा वो काफी क्रूशियल होने वाला है, यानी उस वक्त पर सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि अगर उस दौरान इंजन फेल भी हो जाते हैं तब भी इस तरह से सिस्टम को बनाया गया है कि लैंडिंग अवश्य होगी, यानी ये मिशन हर हाल में कामयाब होगा। अब बात करेंगे कि जब विक्रम सतह पर उतर जाएगा, यानी चांद की सतह पर विक्रम लैंडर उतर जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। दरअसल धूल हटने के बाद लैंडर विक्रम वहां से चालू होगा, रैंप खुलेगा और रोवर प्रज्ञान बाहर आ जाएगा। लैंडर और रोवर एक दूसरे के फोटो खींचेंगे, इन फोटोज को पृथ्वी पर भेजा जाएगा, यानी जिस तरह की तस्वीरें अभी तक लगातार आप देख रहे हैं उस दौरान की और भी खास तस्वीरें हमारे सामने होंगी, यानी हम सब कुछ लाइव उन तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि चांद का साउथ पोल खास क्यों है। दरअसल साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश है भारत। साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं गया, यहाँ तक कि वहाँ पर जाने वाले पहले देश में भारत का नाम शुमार है। अरबों साल से भी वहाँ रोशनी नहीं पहुँची, क्योंकि ये बताया जाता है कि वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और बर्फ के रूप में वहाँ पानी होने का अनुमान है। यही पता लगाने के लिए चंद्रयान 3 को वहाँ भेजा गया है और विक्रम लैंडर उसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। कल शाम 6:04 पे चंद्रयान 3 चांद पर उतरने सॉफ्ट जो लैंडिंग है वो यहाँ पे चंद्रयान 3 करेगा। और साकेत जी से हम बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से यहाँ पे राजधानी भोपाल में बच्चों और आम जनता को देखने के लिए ये पूरा एक चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया है, कल एक बड़ी सफलता हमारे इसरो को, हमारे देश को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, और ये हम सबके लिए प्रेरणा वाली बात है कि इंजीनियरिंग एंड साइंस का एक कमाल है कि जो चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो लैंडर पार्टिकल 23 अगस्त को जो प्लान शेड्यूल है उसके हिसाब से शाम को लैंड होना है, तय है इसका। और अब इसरो उसके बारे में अनाउंसमेंट करेगा, उसमें जो भी शेड्यूल में चेंजेस अगर होते हैं तो। और ये कल शाम को सूर्योदय हो रहा होगा चांद पे, तो सूर्योदय होने के बाद सनलाइट हमें ज़रूरी है, इसलिए उसका समय और डेट वैसा चुना गया है। और ये अगले 14 दिन वहाँ रहने वाला है। तो हमने साइंस सेंटर, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो है, लोगों में विज्ञान में उत्सुकता पैदा करने के लिए हमारे कई प्रयास करता है, हमारे एग्जीबिशन से, साइंटिफिक प्रोग्राम से, व्याख्यानों से, कार्यशालाओं से, तमाम कार्यक्रम। उसी श्रृंखला में हमने ये मॉडल बनाए थे 14 जुलाई को, और ये हमने इलस्ट्रेटेड ऑडियो विजुअल डिस्प्ले रखा था ग्राफिक्स का, ताकि इसरो का जो फिल्म है चंद्रयान का उसको एनिमेट तरीके से दिखाने का, ताकि लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा हो, लोग समझें और जुड़ सकें इस विषय से। उपलब्धि है, और कल जब चंद्रयान 3 चांद पे उतरेगा तो आने वाले समय में इसका कितना फायदा, कितना बेनिफिट जो है हमारे देश को मिलेगा। जी बिल्कुल, और देखिए ये साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड कंट्रीब्यूशन होगा प्लैनेटरी साइंस की फील्ड में, और इसरो के लिए एक बहुत गौरव वाली पल की बात रहेगी पूरी दुनिया में, भारत के लिए भी, क्योंकि हम वो सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे सक्सेसफुली, और जब वो सब चीज़ें फलीभूत हो जाएंगी, घटित हो जाएंगी, उसके बाद जो रोवर बाहर आ जाएगा, तो रोवर और ये चंद्रयान 3 का लैंडर मिलके जो अगले 14 दिन विज्ञान करेंगे वहाँ पर, जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ, वो साइंटिफिक एंडेवर में बहुत महत्वपूर्ण। तो चंद्रयान चांद पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। अब आपको बताते हैं कि इसकी लागत कितनी है। दरअसल चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए है, यानी अवतार मूवी का जो बजट है वो 3,817 करोड़ है, यानी इससे भी कम कीमत में, इससे भी कम लागत में चंद्रयान 3 का ये मिशन पूरा होने वाला है। चंद्रयान 3 की लागत की लगातार हम जो बात कर रहे हैं वो 615 करोड़ है, और ये एक फिल्म के बजट से भी कम है, यानी बहुत ही सीमित बजट में इस पूरे मिशन को लॉन्च करने की तैयारी शुरुआत से ही की गई थी, बजट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। आपको ये भी बता दें कि बोइंग 777ER को लेकर भी यहाँ पर विमान की लागत बताई जा रही है, और 3,111 करोड़ रुपये अभी जो लगातार इंडियन स्पेस सेक्टर की बात हो रही है उसमें सामने आई है कि ग्लोबल जो हिस्सेदारी है वो 2-3% है, और सफलता के बाद 10% हिस्सेदारी के साथ 1,07,860 करोड़ रुपए की वैल्यू हो जाएगी। यानी भारत का जो मिशन है बहुत ही सीमित बजट में तैयार किया जा रहा है, यानी हर लिहाज से अगर देखा जाए तो चंद्रयान
सफलता के झंडे गाड़ने वाला है और भारत का नाम बुलंदियों पर होगा। पूरी दुनिया इस वक्त चंद्रयान के इस मिशन की ओर देख रही है। वहीं भोपाल की जनता इस पूरे मिशन को लेकर क्या कहती है वो आप सुनिए। भारत ने जो लॉन्च किया है चंद्रयान 3, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, पहला देश है बल्कि, और जहां पर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग मतलब वहां पर गया है, स्पेस में गया है, और कल की डेट में जो है वो उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो उसके लिए हम लोग सभी प्रे करेंगे। देखो चंद्रयान 3 में काफी सारी चीजें नहीं है, जो जैसे कि सर ऑलमोस्ट सारी डिटेल बता दिए पहले से, लेकिन जो पिछली बार की गलती रह गई थी वेलोसिटी की, जो ब्रेक इवन वेलोसिटी होती है, उस गलती को इस बार बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली ठीक कर दी है। और 1.4 बिलियन पीपल जो है इंडिया के, वो क्रिकेट में भी नज़र बना के रखते हैं और चंद्रयान 3 पर भी नज़र बना के रखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एवरी पर्सन, मतलब इतने ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन होती है जब लैंड करते हैं। मतलब हमने देखा था के सिवान सर को भी नरेंद्र मोदी ने गले लगाया था, वो रो रहे थे, तो इतने डीपली फेल होने के बाद भी वो डिटर्मिनेंट है, लगे रहे हैं अभी तक, तो हम बिल्कुल होप करेंगे। कैसा फील हो रहा है ये चंद्रयान 3? तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं, स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सचिन बहाम्बा जी हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, आपका भी स्वागत है। और तुषार मनास्तु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैज्ञानिक हैं, को फाउंडर हैं स्पेस टेक के, आपका भी स्वागत है। और साकेत सिंह कौरव जी भी हमारे साथ हैं, क्यूरेटर एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र पाल जी शुरुआत आप ही से करते हुए, क्योंकि आप इसरो में वैज्ञानिक रह चुके हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि इस मिशन को लेकर अभी कितनी धड़कनें तेज हुई होंगी, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने तमाम मेहनत के बाद इस लक्ष्य तक हमें पहुंचाया है, इस मिशन को कंप्लीट करने में पूरा देश हालांकि दुआएं कर रहा है, लेकिन काउंटडाउन क्योंकि अब शुरू हो गया है, तो किस तरह से आप इसको बताएंगे? देखिए धड़कन तो कोई भी नई चीज करने के लिए, कुछ भी किसी भी चीज के लिए जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो किसी तरह से, उनको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस ढंग से रिडंडेंसी बनाई गई है, जिस ढंग से सिमुलेशंस किए गए हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या थ्योरेटिकल हो, वो सिमुलेशंस किए गए हैं, जिस ढंग से कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है, जैसे सस्टेस की कैपेसिटी को 400 न्यूटन से 800 न्यूटन बनाया गया है, 5 के बजाय जो 400 न्यूटन के थे उनकी जगह 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, 8 थ्रस्टर्स उनकी डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए लगाए हैं, तो लेजर वेलोसिटी डॉपलर, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगाया गया है जी, 2 आल्टीमीटर लगाए हैं जो RF है और यू नो आपके जो होते हैं ये हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा लगाए गए हैं, ऑफ कैमरा है, फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एल्गोरिथम्स हैं वो पहले हमने जो गाइडेंस सिस्टम था वो फर्स्ट ऑर्डर पॉली गाइडेंस सिस्टम यूज किया था, अब सेकंड ऑर्डर पॉली गाइडेंस सिस्टम यूज किया है, और टोट बहुत से सिस्टम्स हैं तो 10 सिग्मा में टेस्ट किए गए हैं। 10 सिग्मा का मतलब होता है कि 1 error in 1 million, मतलब 10 लाख में एक गलती को सहन कर सकता है, ऐसा कभी कोई नहीं करता, सब 3 सिग्मा पर टेस्ट करते हैं। साथ में बैटरीज की कैपेसिटी इंक्रीज की गई है, जो लिमिट्स है थ्रस्टर की वो 48 से 90 न्यूटन्स की गई है, और जो मेन थ्रस्टर्स हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं जी। साथ में ये भी है कि अगर 4 थ्रस्टर्स में से मेन 4 थ्रस्टर्स में अगर 2 भी फेल हो जाए तो भी ये लैंड करेगा, और अगर किसी कारणवश अगर 23 तारीख को लैंड नहीं कर पाया तो 27 को लैंड करेगा, और थोड़ा वेस्टवार्ड होगा, पश्चिम की तरफ होगा, लेकिन उसके बाद में भी 14 दिन का जो सूरज का टाइम है वो समय है वो मिलता रहेगा। इसके अलावा जो पावर कैपेसिटी है उसको बहुत इंक्रीज किया गया है, 16 पैनल से साइज इंक्रीज की है, बैटरी की साइज 63 एम्पियर आवर्स लैंडर की और प्रोपल्शन मॉड्यूल की है, और 10 एम्पियर आवर्स जो रोवर है उसकी है, और
और जो कम्युनिकेशन लिंक है वो भी डबल है, मतलब लैंडर से अर्थ को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लैंडर से ऑर्बिटर जो टू है उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फिर ग्राउंड स्टेशन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और दुनिया के अंदर चारों तरफ ग्राउंड स्टेशन जो इस ट्रैक के मतलब थ्रो के ग्राउंड स्टेशन है या ईसा की ग्राउंड स्टेशन है या नासा की ग्राउंड स्टेशन, सब इसको ट्रैक करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए डिजाइन मार्जिन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, डिस्पर्सल लिमिट्स को इंक्रीज किया गया है और सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया गया है और हार्डवेयर को भी टेस्ट किया गया है, कई तरह के सिमुलेशंस किए गए और ड्रॉप सिमुलेशन किया गया है, और मतलब पृथ्वी पर चंद्रयान के जो जो चांद के जो क्रेटर्स है उनको भी सिमुलेट किया गया। इतना एक्सटेंसिव सिमुलेशन करने के बाद में कोई भी चांस नहीं रहता कि ये फेल होगा, ये मेरी अपनी खुद की सोच है और इसरो वालों की भी यही सोच है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरी तरह जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो आश्वस्त हैं क्योंकि मिशन उन्होंने लॉन्च किया, पूरी मेहनत की है और उन्हें मालूम है कि जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हर एक चीज़ को बार बार चेक किया जा रहा है, सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा है तो आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। सचिन जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी विक्रम का कनेक्शन हो गया है और उसके बाद उन्होंने स्वागत भी किया है, ऑर्बिटर ने विक्रम को कहा है कि आपका स्वागत है चांद की सतह पर। सचिन जी, सचिन जी, सचिन जी नहीं हमारे साथ, साकेत जी। जी नमस्कार, तो आपके इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब लगभग 24 घंटे से भी कम है और अगर इसरो का शेड्यूल्ड टाइम की अगर हम बात करें तो कल शाम को 6:04 तक ये टच डाउन होना है अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो हिस्टोरिकल फीट है। अब देखिए सर, जैसे कि डॉक्टर पाल सर बता रहे थे सिमुलेशन, यानी आप उस सिचुएशन को टेक्निकली आप रिहर्सल के रूप में, साइंटिफिक रिहर्सल कह सकते हैं कि आप उन सब चीज़ों को करके देखते हैं। अब उसमें आपकी रिडंडेंसी की बात हो, आप कर करके आश्वस्त होते हैं और ये कोई एक इफ एंड बर्स की सिचुएशन नहीं है, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप पूरा मेथडोलॉजी डिजाइन होती है, आम भाषा में अगर कहें तो इतना अभ्यास हो जाता है, हर उस सिचुएशन को इमेजिन नहीं किया जाता बल्कि उसको ये सोचा जाता है कि ये सिचुएशन अगर आती है एबनॉर्मल सिचुएशन तो उस दशा में हम किस तरीके से डिसीजन लेंगे। इस तरीके की टेक्नोलॉजी की बातों को ध्यान में रख के जब आप चीजों को डिजाइन करते हैं और पुराने अनुभव से आप बेहतर सीखते हैं तो आप जरूर अब ये बात मानिए कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का जो जिक्र कर रहे थे डॉक्टर पाल, वो आप समझिए कि उसने जो बहुत हाई रेजोल्यूशन मैपिंग की है, इमेजरी जो है चांद की, उसका इस्तेमाल भी लैंडर में होने वाला है, यानी लैंडर में जो ऑनबोर्ड कैमरा है उतरने के समय वो धीरे धीरे जब सरफेस की तरफ बढ़ता चला जाएगा और वो एनालाइज करेगा वो 1 किलोमीटर के दायरे के उस प्रोजेक्टेड लैंडिंग साइट को जो ऑलरेडी 2 क्रेटर्स के बीच में है, काफी सुरक्षित है, और इसके पहले बहुत पहले से वैज्ञानिकों ने, हमारे इंडियन प्राइमरी साइंटिस्ट ने उस पर बहुत शोध भी किया है, और वो जो चुनाव होता है जगह का वो भी बहुत सोच समझ के होता है, अगर बदलाव होता है किन्हीं भी कारणों से तो प्लान बी तो तैयार है, 27 की सर बात कर रहे हैं, और अगर ये सब चीजें थोड़ी भी आगे पीछे हैं तो पॉसिबिलिटी हमेशा साइंस में होती है, तो हमने भी साइंस सेंटर में देखा है 14 जुलाई से लेकर अभी तक लोगों में इतना इंटरेस्ट है, इतनी उत्सुकता है, जिज्ञासा है, और एक आम व्यक्ति भी, एक बच्चे भी वो बड़ी बातें कर रहे हैं। आज डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने हमारे ऑडिटोरियम में बच्चों से जब संवाद किया जो कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर हैं, तो बच्चों ने उनकी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा और उनसे पूछे प्रश्न बड़े कमाल के, यानी 7, 8, 9 के बच्चे इतनी एडवांस लेवल की डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आप सोचिए उनके युग में चांद पे भारत अपने बनाए हुए रॉकेट से अपने खुद का स्पेस क्राफ्ट को चांद के साउथ पोल के समीप उतारने जा रहा है, ये उनके उस कार्यकाल में हो रहा है जब वो स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, तो भारत अब वो उस युग में आ चुका है कि अंतरिक्ष का जो पदार्पण है अब बड़े लेवल पे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, ये बड़ा अच्छा भी लगेगा कि देखिए आज जितने भी स्पेस क्राफ्ट चांद पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, किसी भी एजेंसी का हो, नासा का, उसमें LRO भी है, हमारा ऑर्बिटर है 1, हमारा चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर की बात कर रहा हूँ मैं 3, 2 नंबर हम बात करेंगे लैंडर, हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर अभी भी ऑर्बिट में है, वो बहुत ही फाइनल प्री लैंडिंग ऑर्बिट में है, मतलब एक तरफ 25 किलोमीटर है, एक तरफ 134। तीसरा, अब आप बोलेंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल,
जो हमारे चंद्रयान 3 का वो भी ऑर्बिट कर रहा है। तो अब देखिए भारत के अभी आज तक 3 स्पेस क्राफ्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सोचिए इस बात को कितना मैटर करता है साइंटिफिक फील्ड में, 3 स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में हैं। और कल सब कुछ सही हो जाता है तो आप देखिए कुछ घंटों के बाद जब हमारा रोवर भी बाहर आएगा तो भारत के 4 स्पेस क्राफ्ट, 2 ऑर्बिटर, 1 लैंडर और 1 रोवर हम चांद पे बिल्कुल उन लम्हों का पूरे देश को इंतजार है। सर मनीष जी, LHDSC एक ऐसा एडवांस्ड कैमरा जो ऐसी तस्वीरें भी भेज रहा है जहां फार स्पेस को कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी से चांद का वो हिस्सा नजर नहीं आता जहां की तस्वीरें भेजी जा रही हैं, और इसरो ने उस तस्वीरों को जब शेयर किया तो पूरा देश उत्साहित हो गया है, उत्सुक हो गया है अब उन लम्हों के लिए जिसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। मनीष जी तुषार जी हमारे साथ, तुषार जी हेलो, तुषार सर आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ मैं आवाज आ रही है, आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन तुषार जी? क्योंकि वो तस्वीरें पृथ्वी से जो दिखाई नहीं देता है चांद पर वो भी हमारे चंद्रयान 3 की तरफ से भेजी गई है, यानी जो हमारा विक्रम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। और क्योंकि ये साउथ पोल की जो तस्वीरें आने वाली हैं, ये ऐसा मिशन जो किसी भी देश ने अभी तक लॉन्च नहीं किया, भारत उसमें कामयाब होने वाला है, उन लम्हों का सभी को इंतजार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी चंद्रयान 3 का तो अभी डॉक्टर पाल जी ने जो बोला कि इसरो ने इंजीनियरिंग का एक नया तरीके से इंजीनियरिंग किया हुआ है और पूरे देश को इंतजार है कि वो इंजीनियरिंग कब सक्सेस हो, और ये जस्ट एक साइंस प्रोजेक्ट या एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट नहीं है, वो पूरे देश का एक एक सम्मान का दिन होगा कल जब एक्चुअली लैंड करेगा चांद पे और देखेगा कि क्या क्या साइंटिफिक डिस्कवरी कर सकते हैं। पानी का खोज करने का उम्मीद लगी हुई है कि क्या हम उसका पानी का अबंडेंसी कितनी है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हीलियम-3 मिल सकता है, मून की सतह किस चीजों से बनी है वो चीजें पता कर सकते हैं, जिनका ह्यूमैनिटी के आगे आने वाली चीजों के डेवलपमेंट के लिए, मून इकोनॉमी के लिए या इवन मार्स के जाने के पहले मून का यूज करने का, उन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ये तरीका जो टेक्नोलॉजी और ये जो प्रोसेस यूज किया है डिजाइनिंग का, ये एक इंडस्ट्री और इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी में एक मैच्योरिटी लाती है, और ये स्टार्टअप्स हमारे जैसे स्टार्टअप्स के लिए वो बहुत बड़ा लर्निंग होता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स मिशन में क्या फेल हो सकता है। और जैसे कहते हैं कि कोई एक्सपर्ट प्लेयर होता है वो एक बार सही आने के लिए शॉट सही आने के लिए नहीं खेलता, वो इसलिए खेलता है कि हर शॉट उनका सही आए। वैसे इसरो ने इस बार किया, लास्ट टाइम वो सक्सेस होने के लिए कोशिश कर रहे थे, इस बार हर कोई फेल नहीं ना हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डिजाइन किया है, और मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार लैंड होके रहेगा और बहुत कुछ अच्छा शोध करके रहेगा जो ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत मदद करेगा। बिल्कुल, अंतरिक्ष पर एक फतेह करने वाली बात है क्योंकि चांद पर जिस तरह से सफलता के हस्ताक्षर अंकित किए जाने वाले हैं उसका सबको इंतजार है। सुरेंद्र पाल जी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि विक्रम को जब उतारा जाएगा तो हर तरीके से इन चीज़ों का ख्याल रखा गया कि अगर दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं बशर्ते अगर एल्गोरिदम ठीक रहा तब भी ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में कारगर होगा। देखिए चेयरमैन इसरो ने जो अपना कॉन्फिडेंस इसमें दिया है उसी से लगता है, और साथ में जिस तरह से सब चीज़ों को टेस्ट किया गया है, सिमुलेट किया गया है, एवेल्युएट किया गया है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारे रखते हैं उन सबको देखते हुए लगता है कि फेलियर के चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन अगर मान लीजिए 4 में से 2 इंजन फेल हो गए फिर भी लैंड करेगा, अगर जो 6 सेंसर्स लगे हुए हैं उनमें से 1-2 सेंसर फेल हो जाता तो भी काम करेगा, और कम्युनिकेशन लिंक तो खैर रिडंडेंट है ही, इसमें कोई शक ही नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे लैंडर लैंड करेगा तो उसके बाद में डस्ट वगैरह सैंड जो होती है, डस्ट जो भी लूनर डस्ट है उसको सेटल होने में 10 मिनट से लेकर 3-4 घंटे लग जाते हैं जी। तो 4 घंटे बाद में रोवर बाहर आएगा, और रोवर बाहर आएगा और उस तो मतलब दैट्स ऑलमोस्ट 100% सक्सेस, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, रोवर आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट काम कर ही रहे हैं अभी से, जिसका प्रोपल्शन मॉड्यूल में काम कर रहा है, कैमराज आपके लैंडर में काम कर रहे हैं,
और प्रज्ञान में भी काम करेंगे। लास्ट में जो बात आपको बताना चाहता हूं कि 14 दिन का ये है, लेकिन मुझे जहां तक याद है या मैं जैसा सोचता हूं एज ए स्पेस टेक्नोलॉजी की जो टोटल सिस्टम है, जब ये नाइट में जाएगा ना लूनर नाइट में जी। तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को स्लीप मोड में रख दिया जाएगा और सिर्फ सोलर पैनल्स रहेंगे, तो उनको किसी हीटर से कनेक्ट किया गया है। जब दोबारा से सन वापस आएगा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो सोलर पैनल्स हैं ना उनसे पावर जनरेट होगी, उससे जो हीटर्स हैं वो जनरेट हीट हो जाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स को हीट करना और इलेक्ट्रॉनिक्स करीबन 0 डिग्री के आसपास आ जाएगा, तो दोबारा से हो सकता है कि हम दोबारा से चालू कर दें। लूनर 25 में ये एक साल का मिशन था, उसमें आरटीजी था, जनरेटर थे, यू नो रेडियो आइसोटोपिक जनरेटर थे जो एक साल तक चल सकता था। हमारा टोटल सिस्टम सोलर पैनल्स पर और बैटरीज पर काम करेगा, लेकिन स्लीप मोड में ये सब रहेंगे। वापस जैसे ही सनलाइट पड़ेगी हीटर्स ऑन हो जाएंगे और हो सकता है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाए, और इसके बाद में रोवर और लैंडर दोनों काम करना चालू करें। नहीं तो प्रोपल्शन मॉड्यूल तो काम करेगा ही और ऑर्बिटर 2 तो काम कर ही रहा है। बिल्कुल, ये जो मिशन है ये चांद पर, क्योंकि भारत की एक अमिट छाप छोड़ने वाला है इसी पर। साकेत जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, जब रोवर रैंप पर उतरेगा उसके बाद ये माना जा रहा है कि अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है वहां पर अंकित किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत एनिमेशन में भी देखा होगा, इसरो ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें भी देखा होगा कि वो एक तो सर जो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रिगोरिस सरफेस है चांद की, जब ये थ्रस्टर इतनी स्पीड के साथ चालू होकर फिर बंद होंगी लैंडिंग के बाद, तो ग्रेविटी कम होने के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो धीरे से सबसाइड होने में उन्हें समय लगेगा। जब ये सब कुछ होगा तो चांद एकमात्र ऐसा पहरेदार भी है और ऐसा प्रजर्वर भी है हमारा, कि लाखों सालों से उस पर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो प्रिस्टीन एज इट इज रखी हैं, क्योंकि ना उसमें वायुमंडल है चांद में, न चांद जियोलॉजिकली हमारी पृथ्वी जितना एक्टिव है, जिसकी स्टडीज अभी चल रही हैं और इसमें भी सीस्मिक एक्टिविटीज का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, और ना उसमें वोल्केनो है। तो ये ऐसी अवस्था में जो भी इम्प्रिंट हम छोड़ते हैं वो सदियों तक रह जाते हैं। तो हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर जो बैली में रोवर है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा कि उसकी व्हील्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो जब बाहर आता है वो इम्प्रिंट अगर छोड़ता है तो सोचिए जब तक कि उनको दोबारा डिस्टर्ब ना किया जाए आने वाले मिशंस में, या किसी दूसरे या खुद रोवर अपना उसके ऊपर ओवरराइड करके चले, तब तक वो कई सालों नहीं लंबे लंबे लाखों सालों तक रह सकते हैं कि उस पर अगर कोई इम्पैक्ट या दूसरी इजेक्टर मटेरियल आके उस पर बैठ ना जाए। तो ये हमारा चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग के साथ उतर के पूरी दुनिया के सामने एक भारत का वहां पे पदार्पण है कि हम चांद पर आ गए हैं, पूरी कंट्रोल तरीके से आ गए हैं, और अब हम साइंस भी कर रहे हैं। जैसे सर ने बोला कि लैंडर आने के बाद, रोवर बाहर आ जाने के बाद ऑलमोस्ट 100% माना जाएगा, लेकिन उसके जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी कोई कमाल की बात नहीं, वो बहुत बड़े साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम सीस्मिक एक्टिविटी उसमें ड्रिल कर, लैंडर में एक छोटा सा चांद की सतह में ड्रिल भी किया जाएगा, तो उसके बाद उसकी जो क्रिटिकोलेथ है मिट्टी को समझा जाएगा बारीकी से कैसे बना है, प्लैनेटरी साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें। तो रोवर आपने बोला ना एक दूसरे की फोटोग्राफ्स खींचेंगे, वो उनके बारे में जानने के लिए कि भाई मैं आ चुका हूँ, आप सब सही है, उनने कहा भाई बराबर है, मतलब आम भाषा में अगर हम बात करें, पर रिडंडेंसी की बात हो या डिस्पर्जन की बात हो या कितना बेहतर इसको 1 मिलियन में कितने चांसेस ऑफ एरर की बात हो, तो देखिए इसरो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। चंद्रयान 2 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और लर्निंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल ये जर्नी कैसी रही ये भी समझ लेते हैं। मनीष पुरोहित जी भी हमारे साथ आ गए, इसरो वैज्ञानिक हैं। सर, चंद्रयान 2 और 3 के बाद अब जो जर्नी आप अभी तक देख रहे हैं, क्योंकि सफलता की ओर लगातार कदम आगे बढ़ते हुए और पूरा देश ये दुआएं कर रहा है कि इस बार जो मिशन है पूरी तरह से कामयाब होगा और पूरी दुनिया, क्योंकि भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, इस मिशन में हम जरूर फतेह हासिल करेंगे। मनीष जी, कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस? कि ऐसा है कि जैसे अभी बताया सर ने कि हमने हमारी गलतियों से काफी कुछ सीख लिया है, हमने जो भी चीजें मिस कर दी थी लास्ट टाइम हमने उनको करेक्ट कर लिया है, और जो चीजें ऐसी थी जिनको हमको लगता था कि शायद वो भी गलत हो सकती है, वहां पर भी कोई गुंजाइश थी कि उनमें भी कुछ एरर आ सकता है, हमने उनको भी बेटर कर दिया है।
जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जो कैमरा पोस्टिंग फेज था अपने चंद्रयान 2 के टाइम में, उसकी ड्यूरेशन 38 सेकंड्स थी और वहां पर मेन एरर बिल्डअप होना चालू हुआ था जब थ्रस्ट जो थी वो ऑफ नॉमिनल होने लगी थी। मतलब एक तरीके से आपने मान लीजिए जैसा करना चाहिए था थ्रस्ट उसको जितना करना चाहिए था वो वैसा नहीं कर रहे थे, वहां पर एरर बिल्डअप हो रहा था। अब उस पर्टिकुलर पार्ट को हमने रिड्यूस कर दिया, उसको 10 सेकंड की ड्यूरेशन में रखा हुआ है, उसको एटीट्यूड कंट्रोल फेज इस बार हम उसको बोल रहे हैं। होगा उस सब भी वही कि जहाँ पर हम इमेजेस कैप्चर करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे ऑनबोर्ड इमेजेस से, जिससे कि आगे की जो ट्रैजेक्टरी है, आगे का जो सफर, आगे की जो जर्नी है अपने विक्रम की, उसके लिए हम और श्योर रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और जो पार्ट है जो अपना हजार डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, तो जब हम अराउंड 150 मीटर अबाउट द ग्राउंड होंगे लूनर सर्फेस से, तो वहाँ पर जो हजार डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है वो देखेगा, इमेजेस कैप्चर करेगा और वहाँ पर देखेगा कि अगर अनइवन सर्फेस है या मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो लैंडिंग को कहीं भी कोई भी खतरा दे सकती है, तो वो वहां से 150 मीटर आगे जाकर वापस अटेम्प्ट करेगा लैंडिंग के पूरे प्रोसेस को। ये तो पूरा प्रोसेस है, इसमें जो डिफरेंसेस कुछ आए वो ऐसे आए कि लास्ट टाइम जब हम चंद्रयान 2 पे जा रहे थे तो सब एल्गोरिथम जो था उसमें कुछ चीजें हार्ड कोडेड थी, हार्ड वायर्ड थी, लेकिन इस बार हमने उनकी एरर लिमिट्स को एक्सपेंड कर दिया है, हमने उनको हार्ड वायर्ड नहीं रखा, रखकर हमने वहां पर एक तरीके से ऑप्शन रखा कि अगर जैसे गो नो गो कंडीशन है, हमने ऑप्शन रखा, हमने ये नहीं कहा कि अगर आप जैसे लास्ट टाइम ये हुआ था कि हम हमारी लैंडिंग साइट से जब तकरीबन 800 मीटर पीछे और जमीन से 350 मीटर ऊपर थे, उस वक्त हमने ये बोला, मतलब एल्गोरिथम ने पुश किया था कि वी हैव टू लैंड और हम वहां पर क्रैश कर गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, अगर हम पीछे भी रह जाएंगे तो एक रियल टाइम डिसीजन लेगा एल्गोरिथम कि जहां हो आप वहां लैंड कर जाइए। तो काफी कुछ चीजें ऐसी करी है जिससे कि तभी तो कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हो रहा है, और ये बहुत ही मतलब प्रोमिनेंटली हमने हर एस्पेक्ट्स को, जो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है, उन सबको बहुत प्रोमिनेंटली हमने चेक किया, सारे टेस्ट केसेस रन करे हैं खूब अच्छे से, सारे जो भी पॉसिबिलिटी होती है कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है, तभी तो इसको फेलियर बेस्ड डिजाइन करें, दैट्स व्हाई द कॉन्फिडेंस इज हाई। बिल्कुल तुषार सर, क्योंकि अभी तक जो हम बातचीत कर रहे हैं वो अभी मिशन को कैसे हमने यहाँ तक पहुँचाया, जैसा कि अभी मनीष जी ने भी बताया, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर होता क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग किसको कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है जो लोग आपको सुन रहे हैं। तुषार सर पूरा एक्सप्लेन आप करिए कि पूरी प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है जब चांद की सतह पर विक्रम उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग जैसे नाम कहता है कि वो सॉफ्ट होगा लैंडिंग, एक होती है हार्ड लैंडिंग जिसमें आप एकदम से आप बिना कंट्रोल के कितना तेजी से आ रहे हो, आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा तेजी से आते हो और आप लैंड होने के बाद फिर आप उसका कुछ करते हो कि लैंड होने के टाइम पे आपके पास कुछ डैमेज ना हो, या लैंड होने के बाद, हार्ड लैंड होने के बाद आपका कुछ मैकेनिज्म है कि आपका स्पेसक्राफ्ट उसके बाहर आएगा, ये एक हार्ड लैंडिंग का तरीका होता है, जैसे बलून या कुछ पैराशूट यूज करके ऐसा इन्फ्लेट करके लैंडिंग करते हैं और फिर स्पेसक्राफ्ट को बाहर निकालते हैं, वो हार्ड लैंडिंग का तरीका होता है। और सॉफ्ट लैंडिंग का तरीका होता है कि काफी कंट्रोल तरीके से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से धीरे धीरे एकदम कंट्रोल, जैसे हम अपने लिफ्ट में आते हैं, जैसे हम धीरे धीरे आते हैं नीचे, वो तरीके से जब नीचे किसी सतह पर पहुंचते हैं तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो हमारे चंद्रयान 3 के साथ हम सॉफ्ट लैंडिंग ट्राई कर रहे हैं, जिसके कारण हम धीरे धीरे अराउंड 2 मीटर पर सेकंड, ऑलमोस्ट 2 to 3 meters तक का भी उसका लिमिट बढ़ा दिया है कि 3 meters भी अगर बहुत नीचे स्पीड से नीचे आ रहे हैं तभी भी हम सेफली लैंड कर सकते हैं। उसको करने के लिए लेग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चरल सेफ्टी बढ़ाया है, जो लैंडिंग पैड्स है उनमें ज़्यादा कुशनिंग दिया हुआ है, हनीकॉम कुशनिंग दिया हुआ है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दोनों लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट होती है इन टर्म्स ऑफ द लास्ट फेज, जहाँ पे यू नो जो 30 किलोमीटर क्रॉस 100 किलोमीटर वाले अल्टीट्यूड से ऑलमोस्ट जीरो जो टचडाउन पॉइंट होता है वहाँ तक पहुँचना इन टर्म्स ऑफ की उसकी वेलोसिटी चेंज करे, वो पहले हॉरिजॉन्टल होता है फिर उसको धीरे धीरे करके उसको एक एंगल पे लाते हैं 40-50 डिग्रीज पे और फिर उसको वर्टिकल करते हैं, फिर हॉवर करते हैं अराउंड 150 मीटर पे, और जैसे डिस्कस किया कि वहाँ पे हजार डिटेक्शन कैमरा है जिसके कारण डिसाइड करते हैं कि अभी किस जगह पे एग्जैक्टली लॉन्च करना है, लैंड करना है। तो ये पूरा मैकेनिज्म सेंसर्स जो देखते हैं, जैसे हमारी आँखें होती है तो वो देखने का काम कर रही होती है, जो कान होते हैं सुनने का काम करते हैं, वो सारा सेंसर्स वो सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जैसे हमारे हाथ और पैर होते हैं वैसे जो प्रोपल्शन सिस्टम है और अलग अलग एक्चुएशन सिस्टम से वो काम करते हैं, जो सेंसर से इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर एक्ट करके डिसीजन लेना
ऑनबोर्ड कंप्यूटर का काम होता है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है कि अब यहाँ पे जाना ठीक है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे जाना ठीक नहीं है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो ये एग्जैक्टली ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है सैटेलाइट और लैंड रोवर। बिल्कुल विक्रम अभी वही काम कर भी रहा है, वो उस जगह की तलाश कर रहा है जो उसके लिए सेफ होगी, जहाँ पर उतरना आसान होगा। इसी पर आगे भी बातचीत करेंगे। साकेत जी, किन सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं? एक तो ये पता चलेगा कि वहाँ पर पानी बर्फ के रूप में है या किस किस रूप में है, कितनी गहराई है पानी की, वहाँ का वातावरण किस तरीके का है, क्या ग्रेविटेशनल वहाँ की स्थिति है, और भी चीज़ें हैं, और कौन कौन से सवाल हैं जो जिनका जवाब हमें मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न हम सबके सामने आ रहे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। साकेत जी, जी बिल्कुल, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, जो इसरो ने जो प्रोजेक्टेड लैंडिंग साइट चुनी है, वो परमानेंटली शैडोड रीजन वाली साइट के करीब नहीं है, बहुत उससे थोड़ा दूर है ताकि सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे। तो जहाँ तक पानी खोजने की बात है, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। आप देखेंगे अगर हम पानी खोज पाते हैं, यानी चंद्रयान वन ने ये कंफर्म किया था कि पोलर रीजन्स में जो हमारे सिग्नेचर थे पानी के संकेत मिले, उसको चंद्रयान दो के लैंडर में भी प्रयास करना था, अब चंद्रयान तीन के लैंडर में वो हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल बहुत हैं सर, और जवाब उनका बहुत जल्द मिलने वाला है। पूरा देश इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द ये मिशन सफल हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, कैसे सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद भारत कैसे चांद पर फतह हासिल करेगा। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है और भारत के जो वासी हैं वो भी इस उम्मीद में हैं। दुआओं का दौर भी लगातार जारी, हम भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटे।